हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाले हैं हम लोग के गांव में जो रोड बन रही थी, कार्य हो रही थी, उसके बारे में ही होगा। ये दूसरा वीडियो होगा हमारे गाँव का रोड में जो कार्य हो रही थी उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोग किस प्रकार से काम हुआ है दूसरा दिन, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, फाइनली जो है हम दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं दूसरा दिन का। अपने गांव का जो है रोड बन रहा था उसमें, ये देखिए ये जो है पेटवार NH वाला रोड है, ठीक है। और इधर जो है उधर चड़गी रुकाम पहाड़ जो जाते हैं उधर का है, और ये जो है हम लोग का गांव का रोड है। इसी में जो है आगे जो है HRI प्लांट है, जैसे कि आप लोग को पता होगा यहाँ पर देखिए सिलेनियास हुआ था, इसका भी वीडियो हम दे चुके हैं आप लोगों को। और देखिए काम जो है फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड जो है 1 फीट का गड्ढा हो रहा था वह जो हो चुका है। अब इसमें जो है अगला काम जो है होली के बाद ही होगा, ठीक है। देखिए दोनों साइड से बारीकी से जो है काम हुआ है। ये वाला इधर वाला तो आप लोग पहले ही दिखा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इधर वाला देखिए पूरा कम्प्लीट हो चुका है और लास्ट तक देखिए चारों तरफ जो है पूरा दोनों साइड से गड्ढा हो चुका है, उधर भी और इधर भी। और इसमें जो है गिट्टी भराया जाएगा, उसके बाद जो है इसका काम होगा पूरा। देखिए काफ़ी एकदम सट सट के पूरा फोड़ाया गया है, और एक दो जगह जो है पाइप जो है पानी वाला बिछाया गया है, तो ओला भी निकल गया है, ठीक है। तो उसका भी मरम्मत किया जाएगा, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं यहीं पर जो है पाइप दिख रहा था। देखिए ये वाला जो है पानी वाला पाइप है, पता नहीं इतना ऊपर में कैसे आ गया, पूरा अंदर में इसको डाला गया था, ठीक है। ये ऊपर में आ गया था इसलिए दिख गया। और एक जगह जो है वहाँ पर इमली का पेड़ पास कट भी गया है ट्री प्लांट के पास, ठीक है। तो उसका भी मरम्मत किया जाएगा, उसके बाद काम किया जाएगा इसमें। देखिए हम लोग का ट्रांसफार्मर है, यहीं से हम लोग का बिजली जाती है घर में। देखिए पूरा इसी तरह दोनों साइड जो है गड्ढा हो चुका है, चौड़ाई हो चुका है। अब इसमें काम जो है होली के बाद ही होगा, तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे किस प्रकार से काम हुआ है, सारा कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिएगा HRI प्लांट का ग्राउंड में यहीं पर जो है इमली का पेड़ है, और इसी के सामने देखिए पाइप पूरा ऊपर तक आ गया है, टूट भी गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो टुकड़ा भी हो चुका है। तो ये पाइप का जो काम होगा तब जो है इसका रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है रोड में काम किया जाएगा, क्योंकि जो है पानी सप्लाई बंद हो जाएगा अगर ये काम नहीं होगा तो। देखिए यही इमली का बात कर रहे थे हम, इधर HRI प्लांट है, इधर तालाब है जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यानी जहाँ पर रास्ता है या घर है वहाँ पर छोड़ दिया गया है अभी फिलहाल। और ये जो है जिसमें जो है पक्का रोड बना हुआ था उसी के साइड में जो है चौड़ाई हो रहा है, जिधर जो है पक्का रोड नहीं बना हुआ था, जिधर जैसे कि हम लोग घर तरफ मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर जो है इस तरह पक्का रोड नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट पूरा गिट्टी भरना होगा, और यहाँ पर जो है दोनों साइड भर के ढलाई किया जाएगा ऊपर से, इसी चलते, ठीक है। देखिए कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा गड्ढा भी किया गया है, कहीं कहीं नॉर्मल ही गड्ढा किया गया है, जहाँ पर मिट्टी थोड़ा ढीला है वहाँ पर ज़्यादा गड्ढा किया गया है, ठीक है। और जहाँ पर मिट्टी थोड़ा टाइट है वहाँ पर थोड़ा हल्का ही गड्ढा किया गया है, बारीकी से पूरा गड्ढा किया गया। और ये जो हम दिखा रहे हैं ये जो है सबसे आखिरी का है, जहाँ तक ये ढलाई हुआ है, ठीक है। इसके बाद उधर जो है ढलाई नहीं हुआ है, यहीं तक जो है इसका काम हुआ है, दोनों साइड गड्ढा हो रहा है 1 फीट का, ठीक है। इसी में पहले काम किया जाएगा, और जिस उधर जो है ढलाई नहीं हुआ है जैसे कि हम लोग अभी दिखाएँ आप लोगों को, उधर जो है बाद में काम होगा, क्योंकि इधर जो है उतना काम करने का नहीं है, दोनों साइड सिर्फ गिट्टी भरना है उसके बाद डायरेक्ट ढालना है, ठीक है। और उधर तो गिट्टी भरना होगा, उसके बाद रोलर चलाना होगा,
का है कि दबने के लिए, ठीक है, पानी वगैरह डालना होगा तब जाके काम उधर ढलाई होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा और इसमें जो है समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको जो है होली के बाद ही पूरा अच्छा से बनाया जाएगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। देखिए अभी जो है खुदाई चल रही है, आप लोगों को दिखाएंगे अभी किस प्रकार से खुदाई कर रही है। देखिए बहुत ही बारीकी से खुदाई चल रही है। आगे जो है ये ढलाई जो देख रहे हैं आप लोग, इस रोड का जो यहाँ पर बायोडाटा दिया हुआ है, रोड में कौन क्या किए थे सारा कुछ लिखा हुआ है इस बोर्ड में। ठीक है, और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों साइड कोड़ने के बाद, और जब इसमें सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद तो काफ़ी और मज़ेदार लगेगा रोड। ठीक है, आपस में दो जो है दो गाड़ी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकेगा चौड़ा हो जाने के बाद। ठीक है, अभी जो है बड़ा गाड़ी एक दूसरे का इधर उधर क्रॉस नहीं कर पाता है, जहाँ पे जगह देख करके क्रॉस कराया जाता है, और जब बन जाएगा तब जो है आपस में आराम से क्रॉस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बन जाने के बाद बहुत ही काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, सारा कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस तरह का वीडियो जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी जो है 6 लाइन का काम भी स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हम बताए हैं, तो उसका भी सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा ये मेरा चैनल में। तो चलिए आप लोगों को सामने से दिखाते हैं किस प्रकार से जेसीबी जो है कोड़ रहा है, साइड में गड्ढा कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और देखिए किस प्रकार से खुदाई चल रही है। हाँ तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह का अपडेट जो है आप लोगों को मिलता रहे। सारे सड़कों का बारे में हम बताते रहते हैं अपने चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।